नमस्कार सलाम आदाब, मैं मोहम्मद कमर रिज़वी एसआरडी से। मेरे साथ अभी मौजूद है आरजेडी के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, और 9 मार्च को अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है तर्जाने के विषय में। आइए उनसे जानते हैं 9 तारीख को जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जो बैठक है पूरे बिहार जिला की, वो किस विषय पर है और क्या तैयारी है। प्रोफेसर खालिद साहब से बात करते हैं। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है अल्पसंख्यक की राजद कार्यालय में, किस विषय में है, क्या इसका मेन मुद्दा है? मेन मुद्दा है पूरे बिहार के संगठनात्मक ढांचे का हम लोग रिव्यू करेंगे। दूसरा नंबर है कि जो वर्तमान स्थिति में मौजूदा दौर में बिहार के अंदर अल्पसंख्यक के सामने जो मसाइल दरपेश, जो समस्याएं हैं अल्पसंख्यकों का, उन समस्याओं पर गौर और उस पर विचार किया जाए। और मेरा एजेंडा यही है, इसी को एजेंडे पर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। अभी हमारी जो रखी गई है पूरे बिहार जिला की है, जिससे पटना पूरे बिहार की मीटिंग है। पूरे बिहार के तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान, महासचिव, माइनॉरिटी से जो जुड़े हुए जितने आरजेडी के एमएलए, एमएलसी, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, एक्स एमपी और पार्टी के जो रिनॉन लीडर्स आरजेडी मुस्लिम्स, वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। जो समस्याएं अभी हमारे यहाँ मौजूदा दौर में बिहार में मौजूद है, उन समस्याओं पर हम लोग विचार करेंगे कि इसकी गरीबी, अतिहादी, परेशानी, इसकी अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए। उसी पर हम लोग विचार करेंगे कि इस गांव को जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, आर्थिक तौर पर बहुत ही खस्ता हाल है, लड़कियों में कम तालीम है, इन सारे विषयों पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और इस पर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे परवान चढ़ाया जाए, इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और इसके दिशा और दशा को कैसे बदला जाए, इससे इसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को कैसे बदलें, इसी पर मेन फोकस। आपकी बैठक जो हो रही है तो मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक के चेहरा कौन है? अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के, राष्ट्रीय कमेटी के वो मुख्य चेहरा होंगे। उसके अलावे तनवीर हसन, उसके अलावे दो हमारे एक एमपी हैं अहमद अशफाक करीम राज्यसभा में, उसके अलावे जो हारे हुए एमपी हैं सरफराज आलम, वो भी मौजूद होंगे और तमाम विधायक। ये बैठक कितने बजे से कितने बजे तक? 11:30 से स्टार्ट करेंगे, 4 बजे तक चलेगा। मेरे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, मैं मोहम्मद कमर।